तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है जीत पावर पैक नॉलेज। और आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं प्रेस्टीज के मिक्सर ग्राइंडर का, जिसका नाम है नक्षत्र मिक्सर ग्राइंडर। तो देखिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले इसको बॉक्स को ओपन करेंगे। देखिए इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस मिक्सर ग्राइंडर के साथ तीन जार आते हैं। ठीक है, तीन जार आते हैं। अभी हम जार निकालेंगे। पहले इसमें जार दिए होंगे, ये देखिए तीन जार दिए हुए हैं इसमें। ये इन तीन जार की लिड्स दी हुई हैं। ये डोम लिड है बड़े जार के लिए। इसमें तीन जार आएंगे। जो सबसे बड़ा जार है उसकी कैपेसिटी है 1500 ml, जो सबसे छोटा जार है उसकी कैपेसिटी है 1000 ml, और जो सबसे छोटा जार है जिसको चटनी जार बोलते हैं, बेसिकली चटनी वगैरह बनाने के लिए जो सबसे छोटा जार आता है ये वाला, ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 300 ml। और जो तीन जार हैं, जो सबसे बड़ा जार है हमारे पास जिसकी कैपेसिटी 1500 ml, उसके साथ डोम शेप का कवर, लिड कवर आएगा, डोम शेप का लिड कवर, इसको डोम शेप बोलते हैं, जो बड़े जार पे लगेगा। बेसिकली जो बड़ा जार होता है उसको वेट जार बोलते हैं, और जो मीडियम जार होता है 1000 ml का उसको हम बोलते हैं ड्राई, और जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं चटनी जार। तो डोम जार, जो डोम लिड है जो सबसे बड़े जार पे यूज़ होगी, उसका बेसिकली डोम जार का बेनिफिट क्या है कि ईजिली ग्राइंडिंग होती है और स्पेस मिल जाता है, इसलिए इसको वेट जार बोलते हैं। अगर मान लो आपने कुछ भी ऐसा ब्लेंड करना है, इसके अंदर ग्राइंड करना है, मान लो मैंगो शेक वगैरह कुछ भी बनाना है, तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है उस चीज़ के लिए, लिक्विड के लिए, ताकि ईजिली ग्राइंडिंग हो सके। तो ये तो थे जार, हम इसको बॉक्स में रख देते हैं एक बार इन जार्स को। और इसके बाद हम निकालेंगे इसकी मेन यूनिट, पावर यूनिट। ये रही इसकी मेन पावर यूनिट। देखिए इसमें दिया हुआ है, ये इसका पावर का बटन है, ऑन ऑफ का दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए इसके बॉक्स पे भी दिया हुआ है, जो इसकी ये जो ग्राइंडर है बेसिकली, इसकी जो मोटर है वो है 550 वाट की, जो कि 2 साल की वारंटी के साथ आती है। 2 साल की वारंटी प्रोडक्ट के ऊपर भी है और 2 साल की वारंटी मोटर के ऊपर भी है। और जो तीन, जो इसके अंदर जो अभी हमने आपको जार दिखाए थे, मैं दोबारा दिखाने की कोशिश करूँगा आपको तीनों जार। ये देखिए सबसे बड़ा जार है, इसको एक बार खोल के देखते हैं। ये स्टेनलेस स्टील जार है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये ब्लेड दिए हुए हैं, देखिए ब्लेड कितने शानदार ब्लेड दिए हुए हैं। ये भी स्टेनलेस स्टील ग्रेड के ब्लेड हैं, बहुत ही शानदार ब्लेड हैं, और अच्छी ग्राइंडिंग के लिए इनकी जो एजेज है बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सबसे बड़ा जार, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको वेट जार भी बोलते हैं, 1500 ml इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद ये आएगा सबसे छोटा जार, जिसको चटनी जार बोलते हैं, चटनी वगैरह बनाने के लिए। ये अब इसके हिसाब से देखिए, इसमें ब्लेड की शेप चेंज होगी, इसमें भी स्टेनलेस, ये तीनों जो जार हैं स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं, हाई ग्रेड स्टील के बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी और शानदार क्वालिटी में हैं। और एक सबसे ख़ास बात, जो इस मिक्सर ग्राइंडर के अंदर जो जार दिए हुए हैं, इनके जो हैंडल हैं वो बहुत ही हार्ड प्लास्टिक हैं, बहुत ही मजबूत हैं, कहीं नहीं जाने वाले, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है जी। तो ये भी आप, मैंने आपको दिखाया तीनों जार के बारे में, बताया इनकी कैपेसिटी के बारे में, बताया इसकी मोटर आपको मैंने बताया कि जो आप प्रेस्टीज का मिक्सर ग्राइंडर लोगे, इसकी जो मोटर आएगी वो 550 वाट की आएगी, ठीक है, विद 2 ईयर ऑफ वारंटी एंड 230 वोल्ट AC एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई होगा इसमें, ठीक है। तो आपको मेरा रिव्यू और अनबॉक्सिंग कैसी लगी, प्लीज़ शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल, जिसका नाम है जीत पावर पैक नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।